चलते हैं और हम आवाज दे रहे हैं अशरफ पेंटर साहब को कि वो तशरीफ लाएं, और आपसे गुजारिश है कि जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। जनाब अशरफ पेंटर साहब हमारे डाइस पर हैं और हमारे गजल की आबरू हैं, स्टेज का वकार हैं। जनाब अशरफ पेंटर साहब। सामईन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज का प्रोग्राम जश्ने डॉक्टर मोनिस सुलेमान सैफी साहब के लिए रखा गया है। हम उनकी दिल की गहराइयों से उनके जज्बे की कद्र करते हैं। माइक पर जनाब अशरफ पेंटर साहब। मैं अपने कस्बे के लोगों को सलाम करता हूं और कद्र करता हूं उनकी, क्योंकि कहा ही जाता है कि मकामी लोगों को कम सुना जाता है, लेकिन मेरे शहर के लोग मेरे सुनने के लिए बेताब रहते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। सही बात है। सबसे पहले एक मतलब एक शेर आपकी खिदमत में हाजिर, सदर मोहतरम से इजाजत। करता है अदा दिल से जो सुन्नत रसूल की, रसूल की होती है उस पे खास इनायत रसूल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने अशरफ साहब। होती है उस पे खास इनायत रसूल की। और सामान हजरा से और शोरा हजरा से तवज्जो चाहूंगा शेर के ऊपर। जी हुजूर अता कीजिए। अल्लाह कह रहा है कुरान करीम में, अल्लाह कह रहा है कुरान करीम में, जन्नत में पहले जाएगी उम्मत रसूल की। पहले जाएगी उम्मत रसूल की। और क्या कहने मेरे मोहतरम डॉक्टर कमाल साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। जी अदा कीजिए। उन्हें देख कर भी मुझे याद आ गई कि मेरी जिंदगी, मैं इतना लाजिर था, ये हमारे मेंबर साहब भी जानते हैं, मेरा इलाज इन्होंने किया है जो आपके सामने दोबारा आ गया हूँ। और फिर डॉक्टर कमाल साहब को शेर दोबारा पढ़कर सुना रहा हूँ, तवज्जो चाहे। जी अदा कीजिए। अल्लाह कह रहा है कुरान करीम में, अल्लाह कह रहा है कुरान करीम में, जन्नत में पहले जाएगी उम्मत रसूल की। शुक्रिया मोहब्बतों का। अब गजल की तरफ चलता है, एक दो शेर समाप्त कर लें। जी अदा कीजिए। कि सामने से गुजर गया कोई, सामने से सामने पागल सकल गया कोई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या मुझको पागल। ये नौजवान रघुवली शेर कहा गया और काले बाजार की तरफ इशारा है कि सामने से गुजर गया कोई, मुझको पागल सकल गया कोई। बहुत अच्छे। और
शेर देखा जी, अता कीजिए, अता कीजिए हुजूर, के दिल उसे भी कबूल क्यों करता। वाह, दिल उसे भी कबूल क्यों करता जब नजर से उतर गया कोई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने अशरफ। दिल उसे भी कबूल क्यों करता जब नजर से उतर गया कोई, जब नजर से उतर गया। क्या कहने, वाह। आपकी हाजिरी में मुकम्मल गजल मतला समाप्त कर लें जी, अता कीजिए। चलना किसी के साथ अगर ठीक नहीं है, कोई सफर ठीक नहीं है। बहुत अच्छे, फिर भी बहुत अच्छे। अकेले कोई सफर ठीक नहीं है। और शेर देखें कि किस पर करे यकीन किसे अपना बनाए। मोहतरम शेख सुलेमान साहब, शेर समाप्त कर लें कि किस पर करे यकीन किसे अपना बनाए, इस दौर में हर एक की नजर ठीक नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का। क्या कहने के किस पर शुक्रिया मोहब्बतों का, किस पर करे यकीन किसे अपना बनाए, इस दौर में हर एक की नजर ठीक नहीं है। वाह, इस दौर में हर एक की नजर ठीक नहीं है। और शेर देखिए जी, अगर किसी काबिल होगा दुआ से नवाजेगा जी, नहीं के रोजा नमाज और न सुन्नत रसूल की, रसूल की जिस घर में नहीं है तो वो घर ठीक नहीं है, जिस घर में नहीं है तो वो घर ठीक नहीं है। वाह, और शेर देखिए जी, यदा की तू है तो तेरी हर गली गुलशन की तरह है। वाह, तू है तो तेरी हर गली गुलशन की तरह है, जो तू नहीं तो तेरा नगर ठीक नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तू है तो तेरी हर गली गुलशन की तरह है, जो तू नहीं तो तेरा नगर ठीक नहीं है, जो तू नहीं तो तेरा नगर ठीक नहीं। और एक शेर और समाप्त कर लें जी, अता कीजिए। बीवी भी हो बच्चे भी हो भाई बहन भी हो, क्या कहने। बीवी भी हो बच्चे भी हो भाई बहन भी हो, माँ बाप नहीं घर में तो घर।
बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बीवी भी हो, बच्चे भी हो, भाई बहन भी हो, बीवी भी हो, बच्चे भी हो, भाई बहन भी हो, माँ बाप नहीं घर में तो घर ठीक नहीं है, माँ बाप नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का, बहुत बहुत। और मकता हाजिर है जी अता की। हक बात जो ना कह सके मुनसफ के सामने, हक बात जो ना कह सके मुनसफ के सामने, अशरफ कोई भी ऐसा बशर ठीक नहीं। सलाम अलैकुम।